हेलो एंड यू वाचिंग क्लैप क्लैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइल्स, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। हेलो मिस्टर गोयल। हेलो, हाउ आर यू सर? फाइन सर। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है हमारे वीडियोस का, जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स देखना स्टार्ट करते हैं जी। इससे पहले कि हम रिवील करें प्रोडक्ट्स को, आपसे कुछ बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो टाइल्स अवेलेबल हैं वो, उन्होंने बताया था जैसे कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हर स्पेस के लिए है, फसाड के लिए भी है, और क्या क्या साइज़ में हमारे पास टाइल्स अवेलेबल हैं? सर देखिए, टाइल्स हमारा स्टार्ट हम कर रहे हैं 1x2 से। अच्छा, 1 feet by 2 feet। We are not into the sizes which are very small. Okay. 1x2 से हम कर रहे हैं, 2x2, 2x4, 32 inches by 64 inches, 4 feet by 6 feet. Okay. And then we have slabs which are 4 feet by 8 feet. Ah, we'll get to see that. ठीक है। So these are one of the sizes which beat marble. जी। तो ये हमारे सारे sizes आते हैं, और plus क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे नई नई चीजें आ रही हैं, different और sizes भी हम expand कर रहे हैं। हमारे 4 feet by 10 feet का भी स्लैब्स आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मेजरमेंट के बेसिस पे। एक और बेसिस होता है, वो है डिज़ाइन पैटर्न के बेसिस पे। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ आपके पास जो पैटर्न है, यहाँ पे जो टाइल्स हैं वो कुछ मार्बल पैटर्न पे भी हैं, कुछ मोरक्कन टाइल्स में भी रहते हैं। कि हमारे पास कौन कौन से हम डिज़ाइन रहते हैं? क्या चीज़ है, हम जो नियॉम टाइल्स ले रहे हैं जी, इनकी ब्यूटी क्या है, ये नेचर से इंस्पायर्ड है। अच्छा, तो आपको जितने डिज़ाइंस आपको मिलेंगे, दे आर नेचुरल, जो मार्बल की है उन्हीं के डिज़ाइंस मिलेंगे। ओके, देन मोरक्कन डिज़ाइंस हो गए, आपका जो कैफ़े एरियाज और वहाँ लगते हैं मोरक्कन वगैरह जो हो गए, तो आपकी जितनी टाइल्स, आपकी ब्यूटी ये लगेगा। नॉर्मली क्या होता है, टाइल्स में रिपीटेशन होता है, विच डू नॉट गिव यू द फील ऑफ नेचुरल मार्बल। ओके, नियॉम ने वो वेरिएशन रखी हुई है। अच्छा, जिसके कारण आपका फ्लोर वॉल जहाँ भी आप यूज़ करते हो, दे लुक नेचुरल। ओके, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारी टाइल्स टाइल नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, बंदे को ये लगना चाहिए कि हमने नेचुरल लगाया है। हाँ, और हाँ, वो बंदा आके पूछे कि जी ये मार्बल बहुत बड़ा है, तो हमारी जीत होती है। शायद इसीलिए सतवारियों प्रिंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल चलता है, बहुत चला है ना, बिल्कुल चलता है। ठीक है, और सतवारियों में भी यू नीड द नेचुरल फील ऑफ सतवारी। हाँ, करेक्ट बात है। ठीक है, तो अब हम बहुत सारे, अब हम देखते हैं कौन कौन से डिजाइन यहाँ पे हमने जो मॉकअप में लगाए हुए हैं। आपसे मिलने के एक और वजह भी थी, हमने इंसिस्ट किया कि आपसे मुलाकात कराएं, क्योंकि हम साथ में नॉलेज शेयरिंग भी करेंगे। क्योंकि टाइल्स को जब परचेज करने के लिए हमारे फैमिली मेंबर्स जाते हैं, या हम जब भी टाइल्स खरीदने जाते हैं, तो एक कंफ्यूजन बना रहता है, और विजुलाइजेशन हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि ये कौन सी वॉल पर कौन सा लगाएँ और किसके साथ कौन सा मैच होगा, बिकॉज हर वॉल फीचर वॉल नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके लेफ्ट में जो एक वॉल लगा है, ये फीचर वॉल है, इसके साथ में दूसरे कौन से होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन भी आप हमारे साथ शेयर करते जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? हम यहीं से शुरू करते हैं। ऑलराइट, ये जो टाइल है बेसिकली, दिस इज ब्लू ऑनिक्स। अच्छा, और इसका अगर हम मार्केट प्राइस लेके चले तो 1200-1500 रुपए स्क्वायर फीट की टाइल है। ये ब्लू मार्बल है, जो ओरिजिनल ओरिजिनल मार्बल जो है। ओके, एंड दिस टाइल के रूप में लेते हो तो बहुत ही रीजनेबल हो जाती है। सेकेंडली, इसमें आप ये जॉइंटिंग देख रहे हो जी, दिस बीइंग 9mm टाइल, दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो आपकी जॉइंटिंग इज परफेक्ट। ओके, ऑलमोस्ट जीरो वॉरपेज है टाइल्स में। तो ये ब्यूटी आपको ऐड करती है नेचुरल लुक देने के लिए। अच्छा, ये इंस्पायर्ड है ब्लू ऑनिक्स से। ब्लू ऑनिक्स, दिस इज एक्चुअली द कॉपी ऑफ ब्लू ऑनिक्स। मैंने काफी दिन पहले ब्लू ऑनिक्स के बारे में सुना था, मतलब काफी कुछ दिनों पहले, और आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि ब्लू ऑनिक्स होता कैसा है। दिस इज हाउ इट इज, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। सर, इसका साइज क्या है? ये 4 feet by 8 feet में है।
अच्छा, और इसमें बुक मैच कैसे होगा, क्योंकि रनिंग फीट में जाता है आगे तो? इसमें क्या होता है, हम दो ऑप्शंस लेते हैं, एक तो बुक मैच में लेते हैं जी, एक नेचुरल फील में लेते हैं। अच्छा, तो ये आगे कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रहेगी टाइल्स, कितना भी फीट तक जाइए ये जाएगी, आप कंटिन्यूटी रहेगी। ओके ठीक है, इसका साइज आप एक बार मुझे फिर से बता दीजिए। ये 4 feet by 8 feet। ओके, तो हम जो मार्बल लगाते हैं हम इस साइज में नहीं नॉर्मली लगाते, बिकॉज मार्बल में क्या होता है वो फिलिंग होती है, वो सॉफ्ट होता है और फिलिंग होती है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अगर मार्बल को जैसे हमें मेंटेनेंस के लिए हर 4-5 साल बाद उसकी रीपॉलिशिंग और फिलिंग करानी पड़ती है, टाइल्स में हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, दे लाइफ लॉन्ग। अच्छा, आप बोर हो जाओगे, आप तोड़वाओगे तब आपको निकालनी पड़ेगी। अच्छा, पहले ठीक है, दिस इज द रीजन। इसके साथ कॉम्बिनेशन में अगर मान लीजिए इसको, मुझे लगता है कि ये दिस शुड गो एज अ, अगर फ्लोरिंग पे लेते हैं तो सिंगल टाइल चलेगी, ये फ्लोरिंग पे लग जाएगा, ये फ्लोरिंग पे बिल्कुल लगेगी। लेकिन स्किडिंग का क्या प्रॉब्लम नहीं है, दिस वी यूज इसके अंदर वेट ग्रैनुलर टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप अगर सर्फ पर वो गिरा हुआ है वो तो मार्बल या कोई चीज भी स्लिप करेगी, आप इसको फील करके देखिए आपके हाथ रुकता है। अच्छा, ओ एक्चुअली इट इज, इट लुक्स ग्लॉसी बट इट इज नॉट स्लिपरी। अच्छा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नियोम टाइल्स। ओके, very nice, and this can be used on vertical vertical also wall. And flooring pe to it gives away, the bigger your floor the better it looks, and mujhe lagta hai ki bahut acha ek feature wall banane ka option bahut acha hai, ye hai na, isse bahut acha feature wall banta hai. Secondly, ek aur cheez aapko main bolunga ji, ki jo tiles hum dikha rahe hain ji, these are baked at approximately 1200 degrees centigrade. Acha, to inki hardness itni hai ki aap inko floor pe use karo. They are also used on walls. ओके, जितनी टाइल्स है 1/2 को छोड़ के हमारी जितनी टाइल्स है, दे आर जीवीटी टाइल्स व्हिच कैन बी यूज्ड ऑन फ्लोर्स। अच्छा, वॉल इज एन ऑप्शन, वी कैन यूज इट। ओके ठीक है, तो हम वॉल टाइल्स को फ्लोर पे नहीं कर सकते, फ्लोर को वॉल पे हम यूज करते हैं। ओके ओके, आराम से हमको अब समझने वाली चीज है, दिस व्हाट दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। मैं जब शुरू किया था वीडियो तो हम बात कर रहे थे आपसे कि जब आपसे बात करेंगे तो टाइल से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन हमारे दूर हो जाएंगे। दिस इज वेरी गुड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो वी गो टू द नेक्स्ट वन, डेफिनेटली। ऑलराइट, जब हम इस पे जा रहे हैं साथ में बताते जाते हैं कि ब्लू ऑनिक्स जब आप फीचर वॉल बना रहे हैं तो इसके साथ में आप कोई भी प्लेन टाइल्स लगा सकते हैं। ठीक है, वी गोइंग दिस साइड। सेकंडली, ये हमारा जो है, दिस इज अ टाइल कॉल्ड इटालियन क्लासिको। ओके, जिसको 4 feet by 8 feet में आया है, एंड वी हैव शैम्फर्ड द टाइल, हमने इसके एक डिजाइनर शेप में काट दिया और इसको वॉल पे किया विद एलईडी लाइट्स। अच्छा, सो ये आप कोई भी वॉल को हाईलाइट करना चाहते हो, बेड के पीछे करना चाहते हो, होटल लॉबी में यूज करना चाहते हो, ओके, आपके लॉबी एरिया को हाईलाइट करना चाहते हो, दिस कैन बी डन। ओके, एंड आई थिंक वॉलपेपर या कोई चीज आप यूज करते हो जी, उसमें आपको रेगुलरली चेंज करना पड़ेगा, हर 3 साल बाद खराब हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं बिगड़ना। ओके, और ये वॉल्स पे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके, रिसेप्शन काउंटर है जैसे 4 feet by 8 feet में, जैसे आप इसको रिसेप्शन काउंटर बना सकते हैं कॉकपिट का। पर अभी इस स्टाइल को हम लोग बाथरूम्स में भी अगर कोई वॉल भी यूज करते हैं, एक वॉल ड्राई वॉल पे हम ये कटिंग यूज कर सकते हैं, बाकी पे हम प्लेन यूज कर सकते हैं। सुपर, एंड वी हैव यूज्ड इट इन बाथरूम्स एंड दे लुक ऑसम। सर, इसमें वेस्ट तो नहीं होता ये पैटर्न क्रिएट करने में? नहीं, वो पैटर्न में आपका कट जाता है तो वेस्टेज नहीं आती। अच्छा ठीक है, वेस्टेज ऑलमोस्ट अगर होती है तो नेग्लिजिबल वेस्टेज है। अच्छा, ये क्या साइज में अवेलेबल है हमारे? ये भी 4 feet by 8 feet में। 4 by 8। अभी हम लोग जो ये सेक्शन है मेरा, दैट दिस इज इन 4 feet by 8 feet टाइप। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट देखें अभी। हाँ डेफिनेटली। ऑलराइट सो अब हम क्या देखने वाले हैं सर? सर अब मैं आपको जो 8 feet by 4 feet की आपको जो टाइल्स दिखाई, उसके कुछ और सीरीज दिखा रहा हूँ, और हम इंडिकेटिव दिखाते हैं आपको, बिकॉज सारी हम देखेंगे तो हमारा पूरा दिन लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। रेंज इतनी लंबी चौड़ी है। ठीक है, ये सर हमारा है सिल्वर सैंड, सिल्वर रिवर बोल के टाइल्स। सिल्वर रिवर। सो दीज आर ऑल बेसिकली कॉपीज ऑफ आर इटालियन मार्बल। ठीक है, इंस्पायर्ड, जो हम आपको बोला नेचर से इंस्पायर्ड है जी, और आप एक्चुअल मार्बल देखोगे और ये देखोगे आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर आप वैसे मुझे नहीं बताते तो, हालांकि हमने बहुत सारे मार्बल्स देखे हैं पर इनकी वेन्स देख के लगता था कि नेचुरल मार्बल है। ठीक है, ये ऑनिक्स हो गया हमारा। ओह लवली, ऑनिक्स क्रेमा। अच्छा, और दिखाइए ये सारे 8x4 के साइज में, 8x12। दिस इज कलकत्ता गोल्ड। अच्छा, वेरी नाइस, एंड दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग टाइल, सतवारियो। सतवारियो, ठीक है, और सतवारियो की जब भी बात होती है तो हम हमेशा बोलते हैं कि सतवारियो को फर्नीचर में भी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, लोग इसको फर्नीचर में बहुत इस्तेमाल। एक और चीज बता दो जी, टाइल्स की यूसेज जब हर जगह होने लग गई है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखो, दिस टेबल, अ टाइल हैज बीन यूज्ड एज द फॉर द टेबल। अरे आई डिडंट नोटिस दिस। अच्छा, ओके,
सुपर कूल, ये टाइल है, मुझे लगा ये स्टोन, ये टाइल है, ये स्टोन की जगह हमने टाइल यूज किया। अरे वाह, कौन सा है ये, इसका क्या नाम है? ये हमारा डार्क ग्रे टाइल बोलते हैं, लीरो ग्रे। अच्छा, वो टाइल है। और इसका यूसेज कहाँ होता है? होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब करते हैं, यू कैन वॉश देम, दिस इज मेंटेनेंस फ्री। हाँ, मेंटेनेंस फ्री रहेगा ये, ठीक बात है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? आगे आते हैं जी आपको, इधर हमारा नेक्स्ट सीरीज शुरू होती है 2 feet by 4 feet की। अच्छा, इसके अंदर कुछ इंडिकेटिव हमने मॉकअप बाथरूम्स बनाए हैं। देन यू हैव दिस डिजाइनर टाइल्स, इसके अंदर दिस इज द हाइलाइटर फॉर अ वॉल, यू कैन यूज देम। ठीक है, बाथरूम्स में, आपका रिसेप्शन एरिया में, कोई भी बेडरूम में आपने हाईलाइट करना, वॉल्स आप हाईलाइट कर सकते हो। ओके, देन यू विल सी दैट यू हैव अ कॉम्प्लीमेंटिंग बेस स्टाइल। अच्छा, विच हैज द सेम डिजाइन, मे नॉट, मे बी यू वोंट बी एबल टू फील इट इन अ कैमरा, बट आपको सेम डिजाइन का रेप्लिका विद थर्ड फायरिंग आपको नजर आएगा। सो आई कैन सी देयर इज अ शेड ऑफ इट, बिकॉज इनका ब्यूटी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी टाइल्स को एक एज अ कंसेप्ट डेवलप किया है। The tiles have not been developed individually. Okay. You have been given a concept of tiles. कि matching ये होगा, ये चीज आएगी, वो benefit है। Okay. तो हर जितने भी highlighter walls हैं, उनकी complementary tiles, बिल्कुल tiles आपको मिल जाएगा, है ना? सबसे ज़्यादा वैसे trend में से मैं कौन सा color है? अगर हम bathroom की बात करें। This style is looking very nice. It's going very good. Very good. Achha. Black is in trend. अच्छा। So people who want black and white, this goes. Okay. अच्छा। Or you can have a complete black bathroom. Achha. So they look very nice. Okay. Grey is in pattern, in vogue. Ji. So grey mein you'll have these tiles. Achha. This style will come very nice in grey. ठीक है, ये क्या साइज में, ये जो भी आप 4 feet by 2 feet का है। अच्छा, तो ये टाइलें हो गई। अच्छा, एंड 4 feet by 2 feet में भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, है ना? ठीक है, इनको इनको क्या स्प्लैश किचन के स्प्लैश काउंटर, स्प्लैश एरिया में यूज किया जा सकता है? इनकी आपको कोई टेम्परेचर, वाटर या किसी से कोई कुछ नहीं खराब होना। दे आर वेरी हार्ड टाइल्स, आप फ्लोरिंग पे भी यूज करते हो, आपकी लाइफ लॉन्ग है, कोई बिगड़ेगी नहीं किसी से। किचन स्लैब्स में, किचन का सर जो जो स्प्लैश एरिया होता है, जो वेट एरिया होता है किचन का, लोग मानते हैं कि वहाँ पे फूड पार्टिकल्स का लॉजिंग हो सकता है, तो वहाँ पे जनरली आप प्रेफर करते हैं कि प्लेन टाइल्स रखें या ऐसा ग्रूव्स यूज कर सकते हैं? वी नॉर्मली प्रेफर प्लेन टाइल्स। अच्छा, क्योंकि वो फूड लॉजिंग ना हो। फूड लॉजिंग ना हो। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर वी गो फॉर ग्लॉसी फिनिश टाइल्स। ओके, जैसे इधर ग्लॉसी आ गई आपकी। जी जी। और प्लेन मैट टाइल्स जिसमें आपके अप एंड डाउन ना हो, वेरिएशन ना हो, ग्रूविंग ना हो। अच्छा, तो वो हम लोग यूज करते हैं। सेकेंडली, ये हमारी जो टाइल्स, जैसे प्लेन मैट फिनिश टाइल्स हो गई, हम ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, देन यू हैव अ टाइल। टूडे हम लोग मोज़ेक यूज करते थे, टेराजो टाइल्स यूज करते थे, विच गिव्स यू चिप्स की फीलिंग। हम पुराने जमाने में हम चलते थे चिप्स जो है, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रिटी वाला। हाँ जी, तो वो अब दोबारा फैशन में आ गया है। ओह ओके, एंड हाई एंड जितनी चीजें बन रही है उसके अंदर ये टाइल्स यूज हो रही है। ठीक है, ये भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए सकता है। दे कैन बी यूज्ड एज अ कॉम्बिनेशन, सिंगल, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये अच्छा है, दिस ओल्ड कॉन्सेप्ट बट क्लासिकल है ये। दीज आर क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, दे आर इन ट्रेंड नाउ। ठीक है, इसमें कुछ डिजाइन हमारे पास मोरक्कन टाइप जैसा भी है यहाँ पे, है ना? हाँ, ये जो टाइल है आपकी, दिस इज अ मोरक्कन डिजाइन। अच्छा सर, इन टाइल्स में अपना खुद का ही पैटर्न है जो हाईलाइटर है, है ना? आपको अलग से हाईलाइटर्स लेने की जरूरत नहीं है। जितने रेस्टोरेंट्स हो गए, बार हो गए, कैफेज हो गए, वहाँ यूज करते हैं। कुछ हमारा जो लॉबी में सिटिंग एरिया हो गया, जहाँ कूल फील करना चाहते हो, अच्छा, वहाँ ये चीजें आ जाती हैं। ओके, ठीक है, ऑलराइट। ये भी डिफरेंट कलर्स में है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको ब्लू शेड्स में चाहते हैं, बहुत वेरिएशंस आती है। ठीक है, कलेक्शन बहुत बड़ा है, तो हम क्विकली रैप अप लेते हैं। आई नो, आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल वेटिंग फॉर यू। अभी हम क्या देखने वाले हैं? अब मैं आपको एक बताऊंगा, दिस इज फुल बॉडी टाइल्स। ओके, इसमें हमने ये पैटर्न इसलिए दिखाया कि यू कैन शैम्फर द टाइल्स। आप इसका जैसे मार्बल में बोलते हैं, गोला बोलते हैं हम लोग, गोला भी आप बना सकते हो। ओके, तो ये टाइल्स आपके स्टेयर केसेस में, हैवी ट्रैफिक एरियाज में, ड्राइववेज पे, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कलर्स की इंडिकेशंस दी है, इसमें पैटर्न्स हमने दिए हैं। दिस इज अ रस्टिक फिनिश, अगर आप फिनिश फील करोगे। जी, व्हिच वन? दिस इज अ रस्टिक फिनिश। ओके, दिस इज अ ग्लॉसी फिनिश, एंड देन यू हैव अ मैट फिनिश।
ओके सो आपने आए होगे तो मेरी सीढ़ियों पे भी आपने देखा होगा, आपको लगा होगा मार्बल लगा होगा, दीज आर दीज टाइल्स। ओके सर, फुल बॉडी टाइल्स के बारे में क्विकली जो हमने सीखा है आपसे वो कंफर्म करना चाहेंगे, फुल बॉडी टाइल्स में जो सब्सटेंस होता है जो पूरा यूज होता है वो अंदर तक सेम कलर होता है? अंदर तक वही होता है। जनरली क्या होता है जिस तरह से कि आप देखते हैं टाइल्स के ऊपर एक ग्लेज की लेयर होती है, अंदर टाइल डिफरेंट होता है ऊपर एक टाइल होता है, लेकिन फुल बॉडी टाइल में वो पूरा कलर सेम होता है। उसका एडवांटेज होता है आप गोला वगैरह बनाना, मोल्डिंग आपने करना है जी, कहीं भी आपने स्लैब्स पे यूज करना है, वो जैसे किचन की काउंटर्स है उस पे भी यूज कर सकते, उस पे आप गोल शेप दे सकते हैं और उसके बाद में वो कलर डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास काफी सारे कलर्स अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम बेज, ग्रे, डार्क ग्रे, इवन लिटिल ऑलिव जैसे कलर, ऑलिव कलर्स हैं। मुझे लगता है ये फसाद के लिए, एलिवेशन के लिए भी बहुत अच्छे कलर्स हैं इसमें। ठीक है, एंड वेयर आर वी गोइंग नाउ? नाउ वी विल गोइंग फॉर वुडन पैटर्न टाइल्स। ओके, सो वन आफ्टर अनदर सरप्राइजेस, डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, सो इन वुडन टाइल्स जी यू हैव द वेरिएशन ऑफ द टाइल्स, दे लुक लाइक नेचुरल वुड। Exactly, बिल्कुल। And if you feel you have the same textures of wood, मतलब अगर आप, मैं आपको ना बताऊं, जी जी जी, और लोगों के घर में लगी हुई है वो बोलेंगे बहुत बढ़िया wooden tiles लगा रखी है। Very nice, बहुत अच्छा है। And advantage is maintenance free. Wood 4-5 साल में आपका दीमक लग गया या पानी गिर गया तो आपको उस समय क्लीन करना है, जी जी, वो फूल जाएगा, खराब हो जाएगा। इन टाइल्स में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये सर क्या साइज में प्लैंक्स अवेलेबल? ये हम यूज करते 8 इंच बाई 48 इंच के साइज में चलते हैं। उसमें लुक जो आती है पैटर्न वुड का, ये रीजन है क्योंकि जो स्ट्रेट या स्क्वायर हम वुडन टाइल्स यूज करेंगे तो वो लुक नहीं आएगी। अच्छा, और प्लैंक्स में भी कुछ ब्रॉड प्लैंक्स आते हैं, कुछ स्लिम प्लैंक्स, स्लिम प्लैंक्स आते हैं, इसमें भी आपको साइजेस मिल जाएंगे 2 इंचेस बाय 48 इंचेस। अच्छा, ठीक है। और कलर वेरिएशन होते हैं, डार्कर होते हैं, पाइन कलर है, वॉलनट कलर है। आप इस तरफ अगर देखोगे अगर तो ये अलग साइज है, 8 इंचेस बाय 64 इंचेस हो गया। ओके, ठीक है, जो वुडन प्लैंक्स के अंदर जी। सेकेंडली इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ एक पैटर्न्स देते हैं कुछ एक एरियाज को हाईलाइट करने के लिए। अच्छा, एक कार्विंग जैसा है, कार्विंग वाली लुक देती है। ओके, इनको कहाँ पे लगाना है ये कार्विंग लुक के जो टाइल्स? ये हमारे आगे मंदिर वाले एरिया में आ गया। अच्छा, लॉबीज, ये बालकनीज आ गए हमारे। अच्छा, उन एरियाज में। ओके, इसमें सर ग्रे टोन्स, ब्लूअर टोन्स के भी आने लगे हैं। आप पीछे देखोगे ग्रे टोन्स में है आपके। अच्छा, ग्रे, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन। अच्छा, हर शेड्स में आ गए आपके। ओके, अब ये कुछ और हाइलाइटर्स यहाँ पे भी हैं। मुझे ये लीफ वाले जो है इनके बारे में बता दीजिए। लीफ वाले ये आ गया आपका थर्ड फायरिंग में आ गया टू आपका हाईलाइट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो वो वॉशरूम्स में हम देने लग गए। अच्छा, जो हमारा वॉशिंग एरिया है या टॉयलेट शीट के पीछे हो गया। अच्छा, उन एरियाज में देते हैं। ये हमारा शार्प पैनल है, उसके पीछे लगा सकते हैं ना। ठीक है, और अब ये आप क्या देखने वाले हैं? उसके बाद ये आगे हमारे एक मॉकअप बाथरूम्स बनाया है, ये वाला। दिस इज ब्रेस्टिशिया ब्राउन टाइल बोलते हैं हम। इट लुक्स लाइक एम्ब्रॉयडर मार्बल जो है इटालियन का। ओके, कंप्लीट बाथरूम इसके हम लोग कटिंग करके दे देते हैं साइजेस को। अच्छा, ताकि इट लुक्स वेरी नाइस। ठीक है, इसमें ये क्या प्रोफाइल हो रहा है इसमें मेटल का? इसमें हमने डिजाइनर दिखा है, यू कैन गो इन फॉर ग्राउटिंग। अच्छा, मेटल प्रोफाइल भी यूज कर सकते हो, ग्राउटिंग भी यूज कर सकते हो। ऑल राइट, ठीक है, मल्टीपल आ जाती है। ओके, अब हम आ गए नेक्स्ट सेक्शन में। अब नेक्स्ट सेक्शन में आ गए जी। दिस इज 32x64 बोलते हैं इस साइज को। अच्छा, ये साइजेस हो गए। दिस इज इन मेटालिक फिनिश। अब हल्का सा सटल शाइन है टाइल के अंदर। अच्छा, जो आपको एंबियंस क्रिएट करती है। ओके, दिस इज अ वेरी फास्ट मूविंग साइज टुडे जी। इनको भी ऑल फोर वॉल्स क्रिएटिव एस्पेक्ट से देखें तो ऑल फोर वॉल्स पे लगा सकते हैं। ऑल फोर वॉल्स पे फ्लोरिंग डार्क मेटालिक हो जाता है। अच्छा, वॉल्स पे ये आ गया। ओके, इट गिव्स अ वेरी गुड लुक। ओके, इसमें ये हमारे पास कलर वेरिएशन है। दे आर आल्सो वेरी क्लोज टू, हां, दे आर, दीस आर बेसिकली इटालियन मार्बल्स। ओके, अगर हम लेते हैं इधर आपका आते हैं, आपने देखा होगा इस स्टाइल के अंदर जो वेन्स आपको नजर आ रही हैं जी, दिस सटल शाइन इन द वेन्स। ओके, सो व्हेन यू यूज देम जो लाइट आती है इसका बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन आता है, तो ग्लिंग होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या साइज में? सेम साइज, ये सेम साइज 32x64 का आ गया। ओके, दिस इज वन टाइल ग्रे फील में नेचुरल मार्बल आ गया, एंटालिया ग्रे। वेरी नाइस स्टाइल। देन यू हैव अनदर, अगर हम लेते हैं
बोटोचिनो बोल के। अच्छा बोटोचिनो को का टाइल भी है। बोटोचिनो, अब बोटोचिनो में भी इन्होंने जो दिया है सटल शाइन दिया है ये टाइल। अच्छा ओके, तो देयर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। ऑलराइट, आई कैन सी दैट। ठीक है, देन यू हैव दिस एंड देन यू हैव सत्वारियो भी आपके साथ। यू हैव दीस टाइल्स व्हिच कैन बी यूज्ड ऑन द वॉल्स। ओह ओके, टू गिव यू सर, इसका मुझे थोड़ा सा ब्रीफिंग और दीजिए, ये कहां पे यूज होंगे और व्हाट आर दी स्टाइल्स। कोई भी एरिया आपने हाईलाइट करना है। अच्छा, मतलब मैं आपको बोलूं कि आपका जैसे ओपन शाफ्ट वॉल होती है, उसमें आप करिए। अच्छा, इट गिव्स अ वेरी डिजाइनर पैटर्न। ओके, अच्छा इसमें ग्रूव्स है या सिर्फ ये दिस इज ग्रूव्स। अच्छा, सो आपको फील डेप्थ और 3D इम्पैक्ट जो आता है बहुत बढ़िया आता है जी। बहुत अच्छा है ये, थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस का ख्याल रखना होगा। सी, अगर हम इसको ये हॉरिजॉन्टल करते हैं तो मट्टी फंसेगी जी, वर्टिकल में इशू नहीं आता। ओके ठीक है, कि वर्टिकल के ऊपर मट्टी नहीं बैठेगी बिकॉज ग्रूव्स इतने डीप नहीं है। हाँ, हॉरिजॉन्टल अगर लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी हमें। ऑलराइट ठीक है, तो हम इसको रिकमेंड ही हॉरिजॉन्टल करते हैं। एंड नाउ वेरी अट्रैक्टिव मॉकअप, ब्लू कलर वन एंड वेरी नाइस। इसमें हमने क्या किया, फील कि इससे आप निश क्रिएट कर सकते हो बाथरूम्स में जी, वे सोप और डिजाइनर या आप थोड़ा सा उसको फ्लोरल पैटर्न्स में यूज कर लो। ओके, यहाँ पे हमने दो डिफरेंट कलर के टाइल्स को यूज किया हुआ है, यूज्ड एज अ कॉम्बिनेशन एंड ब्लू, जस्ट टू मेक इट लुक लाइक हाउ डज इट लुक लाइक। डेफिनेटली, ऑलराइट, आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड टू इट। श्योर प्लीज, टुडे द ट्रेंड इज मोर टुवर्ड्स ट्रिम टाइल्स। ओके, so these slim tiles, these are 5 mm thick. They're 5 mm thick. Okay. और they are flexible. So आपकी jointing बहुत perfect आती है. और अब ये elevations पे बहुत use होनी शुरू हुई है. 5 mm tiles जो है, ये these are the slimmest we have. The slimmest in India. Okay. 5 mm. 5 mm is the slimmest in which are manufactured in India. And when it comes to the strength, तो जब इनको हम slim करते हैं, तो flexible strength पूरी है. अच्छा, फिर फसाड पे क्या होता है, वी डोंट वांट अ लैडन वेट ऑन दी फसाड एलिवेशन के ऊपर, तो उसको हम यूज करते हैं। पर एक चीज मैं कहूंगा, इनको हमें यूज करना चाहिए केमिकल से। अच्छा, टाइल एडहेसिव होता है व्हिच गिव्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रिप टू द टाइल्स। ओके, बिकॉज वाटर एब्जॉर्प्शन इज ऑलमोस्ट 0.05%। ओके, इंपॉर्टेंट बात है, तो वील पे अटेंशन टू दिस। सर बताने कि आप सीमेंट से टाइल्स को कभी वाइट करने यूज नहीं करना किसी भी पार्ट में। अब नॉर्मली क्या होता था, पहले हम सेरेमिक टाइल्स यूज करते थे जी, जिनमें वाटर एब्जॉर्प्शन 8-12% होती थी। वाटर एब्जॉर्प्शन इन पानी, जब टाइल पानी में डुबोते थे जी, वो पानी पीती थी और सीमेंट के लिए पानी छोड़ती थी। ओके, अब वो ट्रेंड चेंज हो गया, विट्रीफाइड हार्ड टाइल्स बन गई है जी, उसको सीमेंट ये टाइलें पानी नहीं पीती है। अच्छा, तो हमें केमिकल्स लगानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि पॉलीमर कंटेंट ज्यादा है, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है और बाइंडिंग परफेक्ट आता है। ओके, so this is very important, very very important. हमने आपसे बोला था शुरू में कि बहुत सारी नॉलेज आपसे गेन करेंगे। जो चीजें सीखी हुई है, कोशिश है कि ये इंप्लीमेंट हो तो टाइल्स की लाइफ बढ़ेगी जी, आपको प्रॉब्लम से। ठीक है, तो आपने बताया कि आप सीमेंट की जगह आप एडहेसिव्स को यूज करें। एडहेसिव्स जो है कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू सीमेंट, ओवरऑल लेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15-20 रुपए स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आती है। अच्छा, और क्या आपको लगता है कि एडहेसिव्स कंपेयर टू सीमेंट लेबल करने में भी इजी होते हैं? बहुत इजी रहता है, क्योंकि सीमेंट के थिकनेस आपने बिल्कुल है ना, आपके वॉल्स जो है, अब हम हाई राइज बिल्डिंग्स में जा रहे हैं तो एडहेसिव की लेयर बहुत पतली लगती है, 2-3 mm की लगती है। अच्छा, सीमेंट हमें मोटा करना पड़ता है, हमारे बाथरूम साइजेस बढ़ जाते हैं, बाथरूम का साइज भी छोटा हो जाता है ना, तो आप एडहेसिव यूज करने से बाथरूम स्पेस सेविंग में भी आता है ये। सर एक चीज और है, ग्राउटिंग का कल्चर बहुत ज्यादा है इंडिया में, है ना, अब इंडिया में भी लोग अपने टाइल्स के बीच में ग्राउटिंग कराते हैं। ग्राउटिंग क्या है वो डिफाइन करते हैं? एक चीज सजेस्ट करते हैं, एटलीस्ट 2 mm का ग्रूव आप टाइल्स के बीच में रखिए। अच्छा, उसमें क्या होता है, एयर गैप जो रह जाती है जब टाइल लेइंग करते हैं, एयर गैप्स एयर रह जाती है, तो वो थर्मल, हमारे यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है जी, 0 डिग्री से 50 डिग्री तक हम लोग जाते हैं जी, तो थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से टाइल हिल जाती है। ओके, वो कंपैक्ट करती है, वो करती है, तो टाइल थोड़ा सा बैलेंस बिगाड़ सकती है। अच्छा, तो ग्रूव देने से वो जब हम टाइल ले करते हैं एयर निकल जाती है। सुपर, देन वी फिल इट अ ग्राउट, आप मैचिंग ग्राउट या कंट्रास्ट ग्राउट कोई भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ताकि आपका नेचुरल लुक। और ग्राउट का अगर लुक्स की बात करें, ये किसी भी कलर में हो जाते हैं? हाँ, डिपेंड करता है, कई बार आप कंट्रास्ट लेना चाहते हो, कई बार मैचिंग सेम कलर का ग्राउट लगाइए तो आपको जॉइंटिंग नजर ही नहीं आएगी। अच्छा, कई लोग हम स्पेशली 5 mm का ग्रूव देते हैं, हम ग्रूव दिखाना चाहते हैं, इंटरनेशनली ये रिवाज है। हाँ, ग्राउटिंग जो स्पेस है, ग्रूव्स है,
वो एक टेक्सचर भी क्रिएट करते हैं, पैटर्न भी क्रिएट करते हैं। अच्छा, हर टाइल की यूनिकनेस बताते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है, वंडरफुल, बहुत अच्छा लर्निंग था। एंड आई थिंक फॉर ऑल माय फैमिली मेंबर, दोज हु आर लर्निंग इंटीरियर डिज़ाइन, जो खुद से अपने डिज़ाइनर बन रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, या मेरे जैसे जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बड़ा अच्छी बात थी, हमने बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। वी वर टॉकिंग अबाउट दीज टाइल्स, ये आप मुझे बताएं फिर, विल कंटिन्यू। स्लिम टाइल्स जो है जी, इनके टेक्सचर्स आप देखिए, जैसे आप बाहर कोई भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, राइट, बिकॉज आई टॉक मोर यूरोपियन, उनसे डिजाइन इंस्पायर्ड है, उनके नेचुरल मार्बल फिनिशेस में हम लोग लेते हैं, वहाँ की टाइल्स है। ओके, दिस स्लिम टाइल्स जो, और दीज आर द स्लिमेस्ट टाइल्स। ओके, इज इट ट्रू दैट स्लिमेस्ट टाइल्स जो होते हैं, दे हैव अ कैपेसिटी, यू कैन बेंड देम लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, दे आर मोर फ्लेक्सिबल। ओके, सो जो बिगर फॉर्मेट्स में आएंगी, यू कैन गिव इट अ बिट ऑफ कर्वेचर आल्सो। ओके, अच्छा, बट वही वाली बात है, हमारे यहाँ थोड़े से लोग ट्रेंड कम है फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। अच्छा, तो हम लोग बस उसको स्ट्रेट में ही यूज करते हैं, या हल्का माइनर ग्रूव टर्न्स है। अच्छा, तो हम यूज करते हैं। अच्छा, बट फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में बिल्कुल होगा, है ना, ठीक है, स्पेशली जब फर्नीचर में यूज होता है। अब फर्नीचर में यूज हो गया, अब जो आ रही है स्लिमर टाइल्स आ रही है बड़े फॉर्मेट्स में, उसको हम राउंड भी, राउंड तो नहीं, मतलब सेमी सर्कुलर लुक में हम ले सकते हैं, आर्क फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, हालांकि थोड़ा टेक्निकल चीज है, क्या उनको कुछ सोक वोक करने का या हीटिंग करना होता है या कुछ, खुद से होता है, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। लवली, ठीक है, ये जो हम देख रहे थे भी, ये स्लिमेस्ट स्टाइल्स हैं, ये भी हर जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं, और ये आपने बताया कि हमारे पास अवेलेबल है 4x2 में अवेलेबल है, इनमें भी हमारे पास बहुत सारे डिजाइन आते हैं। ठीक है, एक शायद मैं लास्ट में देख रहा हूँ, बहुत कलरफुल है, ब्लू वाला, बहुत सारे डिजाइन है, आपने देखा जी, और ये वाले हैं, ये पीछे वाला, ये पीछे वाला। अच्छा, तो दीज आर वॉल टाइल्स विद हाइलाइटर्स। अच्छा, दिस इज हमारे जो स्मॉलेस्ट साइज है 1x2, ओके, उस साइज में आ रहा है। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया एंबियंस क्रिएट करता है, फायरिंग है इसका। ओके, ठीक है, डन। सो वी हैव सीन सम ऑफ इट, हमारे पास इस तरह की आई थिंक थाउजेंड्स में डिजाइंस हैं। बिल्कुल जी, हर एक डिजाइंस को कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, एंड इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, नाउ वी नीड टू साइन ऑफ, और अभी हम बात करेंगे मनीष जी से और देखेंगे कि किस तरह से इनको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। हमारा ये है कि जितनी इन्फॉर्मेशन रहे जी, कस्टमर को जितना अवेयर रहे, उनको जितना पता हो जी जी, इट इज ईजियर कि वो राइट टाइल्स राइट प्लेस में यूज करें जी, और वो उससे हमारी टाइल इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, उनका घर भी अच्छा लगेगा, और हम उनका घर अच्छा लगे तो हमें खुशी होगी। बिल्कुल, तो जाने से पहले एक दो चीज़, क्योंकि आपने बात कर दी, इंडिया आई बिलीव इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइल एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड नाउ, है ना, इंडिया से टाइल्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, और क्या केयर है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे बिफोर वी साइन ऑफ, कि टाइल्स जब भी आप लगवा रहे हैं, किन किन चीज़ों का, दो तीन कोई टिप्स हैं आपके दिमाग में जो? सर, मेन ये चीज़ है कि टाइल के पीछे थोत नहीं होनी चाहिए, जो बोलते हैं ना, एयर गैप्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, ठीक, यू नीड अ गुड मेसन, यू यूज केमिकल, ओके, एंड आई थिंक योर टाइल्स विल लास्ट यू फॉरएवर। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग यू, थैंक यू वेरी मच, ओके।